सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका भी बैंक अकाउंट है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट में दोस्तों आधार से लिंक का जो फॉर्म होता है या आधार लिंक का जो फॉर्म होता है उसको आप किस तरह से भरेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि डेट, तो यहाँ पर आपको अपना डेट यहाँ पर आपको लिखना है। जिस दिन भी ये फॉर्म को आप फिलअप करेंगे उसी दिन का यहाँ पर आपको इसमें डेट लिखना है। डेट लिखिएगा तो उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा दोस्तों वो बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे आना है। नीचे आइएगा उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों की फिर से यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का नंबर पूछ रहा था, वही बैंक का अकाउंट का नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। बैंक अकाउंट नंबर लिखेगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ब्रांच नेम, तो इसमें आपको अपना ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ब्रांच का नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आधार UIDAI नंबर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि इस वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर आपको इसमें लिख लेना है। आधार कार्ड का नंबर लिखिएगा तो फिर से उसी नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ द आधार होल्डर नेम, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका अपना नाम होगा वही नाम यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। नाम लिखिएगा तो यहाँ पर उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एड्रेस ऑन द आधार लेटर, तो दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी जैसे एड्रेस होगा दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है यहाँ पर आपको इसमें सही सही यहाँ पर आपको लिखना है। एड्रेस जैसे ही लिखेगा उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर आपको करना है। सिग्नेचर कीजिएगा तो उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जीरोक्स कॉपी ऑफ द आधार लेटर ड्यू टू अटैच, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जब भी ये फॉर्म अगर आप इसमें यहाँ पर इसमें भरिएगा तो इसके साथ यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इसके साथ एक आधार कार्ड का यहाँ पर आपको फोटो सेट है यहाँ पर आपको आधार कार्ड का करा के इसके साथ यहाँ पर आपको अटैच करके आपको फाइनली आपको अपने ब्रांच में जमा करना है। ब्रांच में जमा कीजिएगा तो उसके बाद वहाँ पर आपका जो ब्रांच मैनेजर होंगे वहाँ से फाइनली आपके आधार कार्ड आधार से लिंक को या आधार से लिंक आपके बैंक के साथ यहाँ पर फाइनली आपको कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें जो भी डिटेल आप इसमें भरिएगा दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको इसी प्रकार से एकदम सही सही इसमें आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। इसमें आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको इसमें गलती नहीं करना होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हुआ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।